हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए सीखते हैं कि टैली ERP9 में हम किस प्रकार से जीएसटी को इनेबल कर सकते हैं और साथ ही साथ जीएसटी से रिलेटेड लेजर्स कैसे बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आपके पास टैली का लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए, ठीक है, 6 पॉइंट के ऊपर का वर्जन आपके पास होना चाहिए। अब हमें करना क्या है, F11 प्रेस करना है कीबोर्ड से। तो जैसे ही F11 प्रेस करेंगे तो कंपनी फीचर्स की ये विंडो ओपन होगी और आपको जाना है स्टेटरी एंड टैक्सेशन पे, ठीक है। कहां जाना है, स्टेटरी एंड टैक्सेशन, क्लिक करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो स्टेटरी एंड टैक्सेशन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। मैंने कंपनी द शाइन एंड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, जो कि हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है, उसी के नाम से बना रखी है। अब यहां पर इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी ऑप्शन को यस कर दीजिए, वाई प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो ये नीचे आएगा। अब यहां पर सेट अल्टर जीएसटी डिटेल अगर आपको यहां पर यस करना है, ठीक है, यहां पर आएगा आपके पास जीएसटी डिटेल। तो यहां पर जीएसटी डिटेल में पहला स्टेट हमारा जो है वो स्टेट आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। रेगुलर और कंपोजिशन, ये दो ऑप्शन यहाँ पे डिस्प्ले होते हैं। तो रेगुलर वो है जो हर महीने जीएसटी फाइल होता है और कंपोजिशन हर 3 महीने 6 महीने पे जीएसटी फाइल करना होता है, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर जीएसटी आई एन नंबर जो आपको जीएसटी आई एन नंबर मिला होगा वो आपको डालना है। मैं यहाँ कोई भी जीएसटी नंबर अपना डाल देता हूँ, जो भी हमारा है वो डाल देता हूँ, इसको वेरीफाई करेगा ये। और उसके बाद ये 1 मई से हमारा काम स्टार्ट हो रहा है, 1 मई 2019 से, तो ये हमारा आ गया, ठीक है। यहां पर चूंकि हम रेगुलर जीएसटी फाइल करेंगे तो मंथली यहां पे हमें सेलेक्ट करना होगा। ईवे बिल को अभी मैं नो करता हूं, ठीक है, और नीचे आकर के यहां पर सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को यस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पर डिस्क्रिप्शन आ रहा है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में हम क्या देंगे, एचएसएन और एसएससी डिटेल हमें भरना है, ठीक है। तो यहां पर मैं कोई भी नाम टाइप कर देता हूं, जैसे मैं यहां पर टाइप कर देता हूं प्राइमरी आइटम, ठीक है, प्राइमरी आइटम, ठीक है। और HSN कोड और SSC कोड जो भी होता है मैं यहाँ पे उसका नंबर टाइप कर देता हूँ कोई भी, ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहा है, एग्जेम्प्टेड, नील रेटेड और टैक्सेबल। एग्जेम्प्टेड यानी जीएसटी नहीं लगता जिन सामानों पे, उसे हम एग्जेम्प्टेड कहते हैं। नील रेटेड, जीएसटी तो लगता है लेकिन 0% लगता है, दैट्स वाई ये नील रेटेड। और टैक्सेबल यानी कि जिसपे टैक्स लगेगा तो टैक्सेबल कर देते हैं हम, ठीक है। यहां पर आ रहा है इंटीग्रेटेड टैक्स, तो यहां पर हम इंटीग्रेटेड टैक्स रख लेते हैं 18%, ठीक है। तो ये 99% के हिसाब से डिवाइड हो जाएगा, सेस के बारे में बाद में बात करेंगे, इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं हम, ठीक है। और एक्सेप्ट कराने के बाद यहां पर हम क्या करेंगे, लाइन वाइज इसको एंटर करते हुए पूरे को एक्सेप्ट करा लेंगे हम, ठीक है। एक्सेप्ट कराने के बाद हम देख पाएंगे कि अब हमारा जीएसटी इनेबल हो चुका है, अब हमें जीएसटी से संबंधित लेजर्स बनाने हैं। तो चलिए आइए चलते हैं इन्फो पे और क्लिक करते हैं। तो जैसे ही क्लिक करेंगे लेजर वाला बॉक्स डिस्प्ले होगा, एल दबाइएगा और यहाँ क्रिएट लेजर पर क्लिक कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लेजर बनाते हैं सीजीएसटी, अकाउंट इन्फो पे और क्लिक करते हैं। तो जैसे ही क्लिक करेंगे लेजर वाला बॉक्स डिस्प्ले होगा, एल दबाइएगा और यहाँ क्रिएट लेजर पर क्लिक कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लेजर बनाते हैं सीजीएसटी, ठीक है। तो यहां मैं लिखता हूं सी, सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो यहां पे हमको ड्यूटीज एंड टैक्सेस लगाना होगा, यहां पे देखिए ग्रुप बना है ड्यूटीज एंड टैक्सेस का, इस पे आप क्लिक करिएगा तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस आ जाएगा। यहां पर जीएसटी हम लगा रहे हैं तो दैट्स व्हाई जीएसटी, और हम लगा रहे हैं सेंट्रल टैक्स तो यहां सेंट्रल टैक्स लगा दिया। अब यहां पे दे रहा है परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन, अगर आप परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन यहीं पर देना चाहते हैं तो यहां पर आप दे सकते हैं। यहां पर मैंने पहले से मैंने दे रखा है तो मुझे देने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है। नीचे आएंगे और यहां पर नॉर्मल राउंडिंग कर देंगे, डाउनवर्ड राउंडिंग और अपवर्ड राउंडिंग। क्या होती है अपवर्ड राउंडिंग, यानी पॉइंट या पॉइंट में कोई हमारा नंबर आ जाता है तो उसको वो राउंड अप करके आगे या पीछे ले जाता है, पीछे ले जाना डाउनवर्ड कहलाता है और आगे ले जाना अपवर्ड कहलाता है। इसके बाद नीचे आकर के और फिर यहां पर इसको एक्सेप्ट करा लेंगे तो ये बन गया हमारा सीजीएसटी का लेजर। अब हम यहाँ पे एसजीएसटी का लेजर क्रिएट करते हैं, तो एसजीएसटी लिखा हमने और ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर में इसको रखेंगे हम, और ये भी जीएसटी है तो जीएसटी कर लिया हमने, और ये है स्टेट टैक्स तो यहाँ पर स्टेट टैक्स कर देंगे हम और इंटरप्रेस करेंगे, और यहां पर भी नॉर्मल राउंडिंग हम कर देने वाले हैं और इंटरप्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। इसके बाद अब आईजीएसटी का लेजर बनाएंगे हम, तो आईजीएसटी किया हमने और ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर में इसको भी रखेंगे और ये भी जीएसटी है, ठीक है। और यहां पर हम करेंगे इंटीग्रेटेड टैक्स, इंटरप्रेस करेंगे और यहां पर नॉर्मल टैक्स करेंगे और यहां से इसको ओके करा देंगे। तो ये हमने सारे लेजर्स बना लिए। अब हम यहां पर बैक आएंगे यहां से, ठीक है। अब हमें स्टॉक आइटम बनाने हैं, ठीक है, तो चलिए ये देखते हैं स्टॉक आइटम हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो स्टॉक आइटम के लिए हमको इन्वेंटरी इन्फो पे जाना है और स्टॉक ग्रुप चाहे तो हम बना सकते हैं, तो यहाँ पे हम ग्रुप ही बना लेते हैं
साथ ही साथ आप ये भी सीख जाएंगे कि ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहां ग्रोसरी का ग्रुप बनाते हैं हम, ग्रोसरी आइटम्स का। ग्रोसरी आइटम्स मैं करता हूं, ग्रोसरी आइटम्स का मतलब होता है कि किराने का सामान, ठीक है। यहां पर मैं प्राइमरी रखता हूं इसको, और यहां पर इस पे कोई जीएसटी, मैं जीएसटी वहीं से अप्लाई करना चाहता हूं, यहां पर कोई जीएसटी मैं नहीं देना चाहता। अगर हम वहां पे देने के बजाय यहां पर जीएसटी देना चाहें तो यहां से भी दे सकते हैं, ठीक है। इंटरप्रेस करके मुझे यहां से नहीं कराना, तो यहां पे इंटरप्रेस करके एक्सेप्ट करा दिया हमने। और भी कोई ग्रुप बनाना चाहते हैं, जैसे मैं ग्रुप बनाना चाहता हूं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, आइटम लिख दिया हमने, ठीक है। तो यहां पे इंटरप्रेस करूंगा, इसको रखूंगा प्राइमरी में, और यहां से इसको एक्सेप्ट करा लूंगा। तो ये दो ग्रुप हमने बना लिया। अब हमें स्टॉक आइटम बनाने हैं, ठीक है। ग्रुप तो हमने क्रिएट करा लिया ऑलरेडी, ठीक है। अब हमें स्टॉक के आइटम्स बनाने हैं, तो कहां चलेंगे हम, यहां पे स्टॉक आइटम आपको दिख जाएगा, यहां पे क्लिक करेंगे तो हम आप स्टॉक आइटम भी बना पाएंगे। तो यहां से क्लिक किया हमने, अब पहला स्टॉक आइटम हम बना लेते हैं ग्रोसरी का, ठीक है। ग्रोसरी में मैं लिख देता हूं सोयाबीन ऑयल, ठीक है। एंटरप्रेस करेंगे और यहां प्राइमरी है और इलेक्ट्रॉनिक आइटम है और ग्रोसरी आइटम है, तो इसको ग्रोसरी आइटम के अंडर में डाल देंगे, ठीक है। यूनिट हमने बनाया नहीं, तो अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए और यूनिट बना लेते हैं। यहां पे मैं करता हूं, अब सिंबल देना है यहां पे, तो एलटीआर कर देता हूं लीटर के लिए, ठीक है, और फॉर्मल नेम दे देता हूं लीटर, ओके रख लेंगे हम। तो ये किलो लीटर का फॉर्मेट दिया हुआ है, तो किलो लीटर ही रख लेते हैं हम, और इसको हम राउंडिंग कर देते हैं 3 तक, ठीक है, डेसिमल प्लेस कर देते हैं 3 तक, सॉरी राउंडिंग नहीं डेसिमल प्लेस। इंटरप्रेस करेंगे और यहां पे जीएसटी एप्लीकेबल ही रहेगा। अल्टर जीएसटी डिटेल अगर करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, नहीं तो इसको रहने दीजिए गुड्स, और इसको हम एक्सेप्ट करा लेंगे। तो ये सोयाबीन ऑयल का एक लेजर हमने क्रिएट कर लिया। दूसरा लेजर हम क्रिएट करेंगे, दूसरा लेजर जो क्रिएट करेंगे वो होगा रिफाइंड ऑयल का, ठीक है। रिफाइंड ऑयल यहां से दूसरा लेजर भी हमने क्रिएट करा है, और ये भी ग्रोसरी के आइटम है, तो दैट्स व्हाई ये ग्रोसरी में जाएगा, और रिफाइंड ऑयल भी लीटर ही होगा, जीएसटी एप्लीकेबल ही रहेगा, गुड्स रहेगा यहाँ पे, और इंटरफेस करके इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। तीसरा जो हम आइटम बनाएंगे उसका नाम है डालडा, डालडा ये आइटम हमने बना लिया, और यहां पर इसको भी ग्रोसरी आइटम में डालेंगे, और यहां पर भी यहां पे हम किलो रखेंगे, ठीक है, लीटर नहीं रखेंगे, यहां पर हम बनाएंगे इसको किलो, ठीक है। तो यूनिट एप्लीकेबल है नहीं, तो अल्ट के साथ सी दबाइए और किलोग्राम कर देंगे यहां पे, केजी कर देंगे यहां पे, चूंकि सिंबल देना है तो केजी एस कर देता हूं मैं, और यहां पर फॉर्मल नेम किलोग्राम, ठीक है। एंटरप्रेस करेंगे और यहां पर कोड दे देंगे इसका, तो किलोग्राम का कोड आएगा यहां पे, तो यहां पर एंटरप्रेस किया और यहां पे नॉर्मल राउंडिंग 3 कर दिया, जो भी डेसिमल प्लेस है उसको 3 कर दिया हमने, जीएसटी एप्लीकेबल ही रहेगा, गुड्स रहेगा यहां पे, और इंटरप्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। अब हम इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का बनाएंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम में सबसे पहले मैं करता हूं कीबोर्ड, ओके। अब कीबोर्ड जो है आएगा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में, ठीक है, और यहां पर हमें यूनिट बनानी है, ठीक है, कर देंगे हम सिंपल, और यहां पर करेंगे आइटम आई टी एम, ठीक है, और यहां पर करेंगे आई टी ई एम, ठीक है, और फिर यहां पे आई से करेंगे, तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा पीसी करेंगे, देखते हैं पीस, तो यहां पे देखिए पीस आ रहा है, पैक्स आ रहा है, ठीक है, तो पीस कर देंगे हम, तो ये पीस हो गया, और यहां पे जीरो रहने देंगे। इंटरप्रेस करेंगे, यहां पर गुड्स रहेगा, ये तो आप जानते ही हैं, एक्सेप्ट करा लिया हमने, ठीक है। इतना करने के बाद एक हम और कर लेते हैं, जैसे एलईडी बल्ब कर लेते हैं, एलईडी बल्ब बी यू एल बी, ओके। तो एलईडी बल्ब करने के बाद इंटरप्रेस करेंगे और यहां पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स रखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम रखने के बाद यहां पर क्या करना है, आइटम ही रखता हूं मैं यहां पर भी, और जीएसटी यहां पे गुड्स रहेगा, और इंटरप्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। बाहर निकलेंगे इससे, और बाहर निकलने के बाद हमें करना क्या होगा, बाहर निकलने के बाद यहां पर हम अब सीधे जाएंगे रिसिप्ट वाउचर में, तो चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में, इंटरप्रेस करते हैं और अब आएंगे रिसिप्ट वाउचर में, तो हमें क्या दबाना है, F6 दबाना है, तो ये आ गए हम रिसिप्ट वाउचर में। हमें सिंगल एंट्री मोड को हटाना है, तो हम क्या करेंगे, F12 प्रेस करेंगे, ठीक है, तो यहां से F12 प्रेस किया हमने, और यहां पर जो सिंगल एंट्री मोड है इसको हम नो कर देंगे, ठीक है, और डबल यहां पर डेबिट क्रेडिट यस है, अब इसको एक्सेप्ट करा लेंगे,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेबिट क्रेडिट आ चुका है। तो क्रेडिट में हमेशा हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट करते हैं। तो कैपिटल अकाउंट का हम लेजर बना लेते हैं, कैपिटल अकाउंट। ओके, तो ये लेजर बन जाएगा हमारा और ये अंडर कैपिटल अकाउंट जाएगा। यहां से कैपिटल अकाउंट कर लेते हैं हम, एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लेता हूं मैं, ठीक है। अब यहां पे कैपिटल अकाउंट कितने से स्टार्ट हो रहा है, एंटर प्रेस किया। डेबिट किसे करेंगे, कैश को डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया कैश और एंटर प्रेस कर देंगे, तो ये हमारे पास पर्याप्त पैसा हो गया है। अब हम चलेंगे परचेज वाउचर में, ठीक है। तो यहां पे परचेज वाउचर के लिए क्या प्रेस करना है हमें, F9 प्रेस करना है, या यहां पे हम क्लिक भी कर सकते हैं। अब यहां पे सेल्स इनवॉइस नंबर, जो भी परचेज का इनवॉइस नंबर है वो डालेंगे, और यहां पर 1 मई को ही खरीदारी हो रही है, ठीक है। यहां पर चाहे तो हम कैश कर सकते हैं, लेकिन हम यहां पर संडी होगा, ठीक है, तो हम उसका नाम दे देते हैं, जैसे अजय, CREDITOR, ये पहचान के लिए कि पहचान हो जाए, इसीलिए मैंने यहां क्रेडिटर लिख दिया है। आप सिर्फ अजय लिखिएगा तो भी चलेगा, ठीक है। यहां पे सन्ड्री क्रेडिटर के अंडर में इसको डालेंगे हम, ठीक है। इंटरफेस किया और यहां पर मेंटेन बिल वाइज डिटेल, ये यस रहेगा। इंटरफेस करते हुए नीचे आएंगे, यहां पर मैं कर देता हूं न्यू कॉलोनी देवरिया, ओके। इंटरफेस करेंगे और इंटरफेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लेंगे, ओके। तो ये न्यू कॉलोनी देवरिया यहां आ चुका है, इसको भी एक्सेप्ट कराते हैं। अब यहां परचेज का लेजर आएगा, तो ऑल्ट के साथ सीधा भाई परचेज अकाउंट का लेजर बनाइए, यहां पे परचेज अकाउंट, ओके। इंटरप्रेस किया हमने और यहां पे पी दबाएंगे तो परचेज अकाउंट आ जाएगा। इंटरप्रेस किया, गुड्स रखेंगे, एक्सेप्ट करा लेंगे, ठीक है। तो ये परचेज अकाउंट हो गया हमारा, जो लेजर हम पहले से बना चुके हैं उसी को अप्लाई करा लेते हैं यहां पे, जैसे हमने डालडा लिखा था। तो ये डालडा का स्टॉक आइटम बनाया था हमने, तो चलिए ये इसको हम 6 आइटम ले लेते हैं, यहां से 6 आइटम ले लिया, यानी 6 किलो हमने डालडा ले लिया। इसका रेट जो है क्या है, 100 रुपए किलो के हिसाब से इसका रेट लगा लेते हैं। तो ये 600 रुपए का डालडा हमने खरीद लिया, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं रिफाइंड ऑयल पे, तो रिफाइंड ऑयल पे गए हम और रिफाइंड ऑयल का रेट है 120 रुपए। तो ये 120 क्वांटिटी हम खरीद रहे हैं, 120 लीटर हम खरीद रहे हैं, ठीक है। और इसका जो वैल्यू है वो 100 रुपए के हिसाब से 120 लीटर का जो वैल्यू है वो आ गया यहाँ पे, ठीक है। और 120 लीटर रिफाइंड ऑयल खरीदने के बाद यहां पर हम क्या करेंगे, सोयाबीन ऑयल खरीदते हैं। तो यहाँ पे सोयाबीन ऑयल आ गया और सोयाबीन ऑयल हम खरीदेंगे 200 लीटर, ठीक है। तो 200 लीटर के हिसाब से यहाँ पे देखिए 120 रुपए लीटर सोयाबीन ऑयल के हिसाब से 200 लीटर का यहाँ पे कॉस्ट आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना जीएसटी लगाएंगे। तो जीएसटी का लेजर हम ओपन करते हैं, सबसे पहले हम लगाएंगे सीजीएसटी, ठीक है। तो यहाँ पे सीजीएसटी का लेजर आ गया। अब जो हमने दिया था रेट उसके हिसाब से यहाँ पे 3294 रुपए छपे हैं। इसके बाद यहाँ पे एसजीएसटी भी लगाएंगे, तो एसजीएसटी भी कैलकुलेट होकर हमारा आ गया है, देख सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यहां पर नरेशन में हम कुछ दे सकते हैं, जैसे द स्टॉक हैव बीन परचेज्ड, ओके। तो ये हमने परचेज कर लिया, ठीक है। अब इसमें ना तो नेगेटिव स्टॉक आएगा ना तो नेगेटिव कैश आएगा, क्योंकि आपने पहले से कैश रखा हुआ था रिसीप्ट वाउचर में, तो ये आपकी एंट्री हो जाएगी। अब इसी में आईजीएसटी अगर आपको लगाना है तो यहां पे देखिए मैं आईजीएसटी भी लगा के दिखा देता हूं। ये हो गया यहां से, और यहां किया हमने अजय क्रेडिटर, यहां पर न्यू कॉलोनी देवरिया है, इसको हमें चेंज करना होगा, ठीक है। मैं यहां पर करता हूं इटारसी कर दिया हमने, एंटरप्रेस किया और यहां पर जो है स्टेट कर देंगे एमपी, ठीक है, मध्य प्रदेश, ठीक है, एमपी यानी मध्य प्रदेश। और यहां पे जीएसटी आई नंबर अगर है तो डाल देंगे, जो भी जीएसटी आई नंबर है, इंटरप्रेस किया और यहां से परचेज का लेजर आ जाएगा। अब यहां पे जैसे सपोज कीजिए कीबोर्ड ले रहे हैं, ठीक है, तो 60 आइटम कीबोर्ड के हमने ले लिए और रेट इन पे लगा दिया 150 रुपए के हिसाब से, तो ये 60 आइटम हमने खरीद लिया, ठीक है। और अब मान लीजिए कि रिफाइंड ऑयल खरीद रहे हैं, तो यहां पर रिफाइंड ऑयल लिया हमने और हम ले रहे हैं रिफाइंड ऑयल 10 लीटर, तो 10 लीटर के हिसाब से ये रेट आ गया, ठीक है। अब यहां पर हमें लगाना है आईजीएसटी, ठीक है, तो देखते हैं आईजीएसटी कैसे हम लगा पाते हैं। यहां पे आईजीएसटी लगाया हमने, तो जैसे लगाया ये तुरंत आ गया, तो स्टेट चेंज करेंगे तो आईजीएसटी तो आना ही आना है। तो उम्मीद है कि यह बात आपको समझ में आ रही होगी कि दोनों हमने कैलकुलेट किया। अब आइए इसका देखते हैं
डिस्प्ले में चल करके कहां रिपोर्ट देखेंगे, डी दबाएंगे दो बार प्रेस कीजिए डी, तो यहां पर डिस्प्ले में हम आ चुके हैं, देख सकते हैं आप अजय क्रेडिटर दोनों ये जो हमने बनाए थे वो दिख रहे हैं। तो अभी हमें चलना है ये वाले पे, तो यहां पे देख सकते हैं कीबोर्ड और रिफाइंड ऑल का आपके पास लिस्ट मौजूद है। अल्ट के साथ आपको पी दबाना है और एंटर प्रेस करना है, तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा और इसको मैं सेव कर लेता हूं, पी यू आर के नाम से सेव करता हूं इसको, पिक्चर में ये सेव हो रहा है। तो आइए चलते हैं देख लेते हैं कि पिक्चर में ये कहां सेव हुआ है और इसकी रिपोर्ट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर डबल क्लिक करता हूं, मैं आपको दिखाता हूं रिपोर्ट जहां ये गया हुआ है। ठीक है, यहां पिक्चर में गए हम और यहां से PU के नाम से हमने सेव किया था, यहां पे आया है PUR के नाम से। ठीक है, यहां पे हम इसको ओपन कर लेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये किस तरह से ये प्रिंट होकर आया हुआ है। तो ये हमारा इनवॉइस है, आप देख सकते हैं इसको।